आज के समय में आपने देखा होगा कि मोटापे से हर कोई परेशान है। कुछ लोग इससे इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि वो इसको कम करने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, और इसी कारण कई महंगे महंगे उपाय करते हैं, किंतु फिर भी उनको जब फ़ायदा नहीं मिलता तो वो निराश होने लगते हैं और ख़ुद को ये मानते हैं कि वो सुंदर नहीं है, या उनके मन में फिर नेगेटिव चीज़ें आने लगती है और वे हमेशा नए नए तरीके अपनाते रहते हैं जिनसे कि उनका वज़न कम हो, किंतु फिर भी जब कोई फ़ायदा नहीं होता तो उनको बहुत परेशान होना पड़ता है। तो यदि आपसे ऐसा कहे कि बर्फ़ भी आपका वज़न कम करने में बहुत मदद कर सकती है तो आप यकीन नहीं मानेंगे। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में यही बताएंगे कि बर्फ़ कैसे आपका वज़न कम करने में मदद करती है। तो शायद आप कहेंगे कि ये तो बहुत अजीब है या ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो आइए हम आपको बताते हैं कि बर्फ़ खाने से कैसे आपका वज़न कम होता है। कोई भी व्यक्ति जब दिन भर तक एक ही स्थान पर बैठे रहकर काम करता है या एक ही स्थान पर बैठे रहता है तो उसको बीच बीच में कुछ ना कुछ खाने की इच्छा होती है। या आपने सभी में देखा होगा कि आप थोड़े वक्त में जो मोटे लोग होते हैं उनको ज़्यादातर खाने की ज़्यादा इच्छा होती है। आप बार बार जब खाते हैं तो इससे भी आपका वज़न बढ़ता है। तो आप कुछ खाने की जगह बर्फ़ खाएंगे तो आपका वज़न नहीं बढ़ेगा। कैसे? किंतु आप इस ध्यान रखें कि वज़न कम करने के लिए आपको बर्फ़ का उपयोग ज़्यादा नहीं करना है। यदि आप अधिक बर्फ़ का उपयोग करोगे तो आपको सर्दी जुकाम जैसी समस्या या फिर दांतों की समस्या होने लगेगी। इसलिए बर्फ़ खाना है लेकिन उतनी ही मात्रा में जितनी चाहिए। अब आपको बताते हैं बर्फ़ खाने का हम क्यों बोल रहे हैं। बर्फ़ खाने से जो शरीर का अतिरिक्त वसा है वो कम होने लगता है और इससे आपको भूख नहीं लगती है, और इस कारण से जो आपकी बार बार खाने की इच्छा हो रही है वो नहीं होगी। इसके अलावा आपका शरीर जिस स्थान पर मोटा है उस स्थान पर आपको 30 मिनट तक बर्फ़ को रखे रहने देना है। ऐसा करने से उस स्थान पर कैलोरी है वो बर्न होगी और इससे आपका वज़न घटेगा। तो इस तरह जो अब बर्फ़ है वो आपके शरीर से मोटापे को कम करने में मदद करती है, तो आप ये उपाय को ज़रूर अपना कर देखें। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसी ही सेहत से जुड़ी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल दिल से देशी को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।